राजस्थान। राजस्थान को कई राजाओं और रजवाड़ों की ऐतिहासिक भूमि के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में कई ऐसी इमारतें, महल और किले हैं जो सदियों से आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं। इन महलों की चर्चा पूरी दुनिया में की जाती है। इन ऐतिहासिक धरोहरों की अपनी अलग पहचान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में मौजूद हवा महल एक ऐसी प्राचीन और ऐतिहासिक इमारत है जो अपनी अद्भुत खूबसूरती और संरचना के लिए जाना जाता है। इस प्रसिद्ध इमारत की कई ऐसी कहानियां हैं जिनसे शायद आप अनजान होंगे। आज के इस वीडियो में आपको हवा महल के उन ऐतिहासिक पहलुओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हवा महल, जिसे राजपूत सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1799 में बनवाया गया था। कुछ ऐसे दिलचस्प तथ्य इस महल से जुड़े हुए हैं जो इस महल की शालीनता को दर्शाते हैं और इसकी वास्तुकला के शैलियों के पीछे छुपे रहस्यों को भी बताते हैं। महल का निर्माण लाल गुलाबी बलुई पत्थर से किया गया था और इसकी रचना में मुगलों और राजस्थानी शैलियों की वास्तुकला साफ झलकती है। राजस्थान का यह खूबसूरत वास्तुकला का नमूना जयपुर के बीचों बीच में स्थापित है। हवा महल सर के ताज के आकार में बना हुआ है जो भगवान श्री कृष्ण के सर के ताज की तरह प्रतीत होता है। कहा जाता है कि सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धा भक्ति भाव रखते थे जिसकी वजह से उन्होंने इस महल को उनके ताज का आकार दिया। हवा महल का मतलब साफ है, हवा का महल। इस महल में लगभग 953 छोटे छोटे झरोखे खिड़कियां हैं जिन्हें महल में हवा के लिए प्रवेश के लिए बनाया गया था। पुराने जमाने में राजपूतों के परिवार गर्मी के दिनों में राहत के लिए इसी महल में निवास करते थे। ये जयपुर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। महल खासतौर पर राजपूत परिवार की महिलाओं के लिए अलग से बनवाया गया था जिसकी खिड़कियों से बिना किसी रोक टोक या हिचकिचाहट के शहर की रोजमर्रा जिंदगी को देख सकती थी। महल के सामने का दृश्य मधुमक्खी के छत्ते की तरह नजर आता है। इसी इमारत में बने जटिल खिड़कियों से महल की औरतों को बाहर की जिंदगी देखने की अनुमति थी पर उन्हें कोई नहीं देख सकता था। हवा महल। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। इन मंजिलों में जाने के लिए सीढ़ियां नहीं हैं। इन ऊंची मंजिलों तक पहुंचने के लिए आपको ढलान रास्तों पर चलना होगा। हवा महल का ये नाम यहाँ के 5वीं मंजिल से पड़ा जिसे हवा मंदिर कहते हैं। अपनी सुंदरता और आकर्षक रचना की शालीनता के लिए ये महल शान से जयपुर के शहर के बीचों बीच में खड़ा है जहाँ की यात्रा करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। इसकी आकर्षक शैलियाँ तब की वास्तुकला की अद्भुत प्रतिभा को बखूबी दर्शाती है। इस महल के अंदर एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि राधा कृष्ण को समर्पित है। इसके अलावा हवा महल एक ऐसी अद्भुत इमारत है जो बिना किसी नींव की बनी हुई है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बिना नींव की इमारत मानी जाती है। इस महल में राजा महाराजों के खास मेहमानों को ठहराया जाता था। यही नाच गाने भी किए जाते थे। महारानियां यहाँ पर समय बिताने आया करती थीं और वे चौपड़ शतरंज भी खेला करती थीं। तो अगली बार आप अपने राजस्थान की यात्रा में इस यूनिक और प्रसिद्ध जगह की यात्रा करना ना भूलें।